छठ एक ऐसा पर्व है जो रिश्तों को जोड़ता है। अगर छठ पूजा है तो कॉलेज भी जाए बाहर में, हमें तो बस छुट्टी में घर आना है। कमर के ऊपर पानी जा चुका है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। में फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। आज नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज वो पहला दिन है जिस दिन जो भी छठ व्रती हैं वो स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जो घर जाएंगे और फिर अगले दिन खरना का प्रसाद बनेगा और फिर उसके बाद अर्घ देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग पहुँचे हैं दीघा में और दीघा में किस तरह से छठ हो रहा है, क्या हो रहा है वो दिखाने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट्स में कि किस तरह से पूरे घाट को बनाया गया। पहले ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि गंगा जी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि इस बार जो छठ होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और बहुत कम पानी हो गया है, ठीक है, पर्व के लिए अब सुविधा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं छठ घाट के पास और ये रास्ता बनाया गया है। इस तरह से कई रास्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ मरीन ड्राइव जो है, अपना जो जेपी सेतु है वहाँ से लेकर के आपको यहाँ पर जो आगे शमशान घाट है वहाँ तक पूरा का पूरा जो है कि ऐसे बैरिकेडिंग की गई है, रास्ते बनाए गए हैं और लोगों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हर एक ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि आपको किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ करना है। काफ़ी लोग मिल रहे हैं कि मतलब जो लोग बाहर से आए हैं, बिहार से बाहर से छठ करने के लिए स्पेशली। एक छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के। लोग दिवाली में नहीं आएंगे, लोग दशहरा में नहीं आएंगे, लेकिन छठ में ज़रूर आते हैं, बिहार वाले खास करके, और यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके साथ ही साथ अब तो आसाम और पूरे इंडिया, वर्ल्ड में पूरा फैल रहा है ये छठ महापर्व। तो इससे जो इमोशंस जुड़े हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अभी चलते हैं यहाँ से नीचे और देखते हैं। फाइनली अभी हम लोग छठ घाट पर हैं। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर के लोग घर जाते हैं और उसके बाद फिर उसी से खरना का प्रसाद बनता है ना सर। तो किस तरह का एक्साइटमेंट देखा जा रहा है इस बार छठ को लेकर? बहुत खुशी का माहौल है बिहार में। ये बिहार का मुख्य पर्व होता है पूरे देश में, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल इस पर्व का आयोजन हो रहा है खुशी पूर्वक, उल्लास के साथ इस देश का लोग खुशी मनाते हैं। छठ हो रहा है, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी का माहौल है। आज से नहाए खाए शुरू है। आप छठ कर रही हैं? जी। थैंक यू। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कि जिनके घरों में छठ हो रहा है। बहुत अच्छा उल्लास महसूस हो रहा है इस वक्त। हाँ, और काफी एनर्जेटिक लग रहा है। काफी एनर्जेटिक लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस वर्ष जो है 2 सालों के बाद जो हो रहा है, इस सभी लोगों में एक नया एक उमंग देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नहाए खाए के दिन लोग सुबह में आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और भगवान को प्रार्थना करके और छठ का तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हैप्पी छठ। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पूजा हो रही है, गंगा जी की पूजा हो रही है। हाँ, गंगा जी। और ये सिर्फ नहाए खाए के दिन ही होगा? नहीं, हाँ। मतलब इसके बाद फिर नहीं होगा? तीनों दिन होगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें ये क्या बनाया गया है? अच्छा, सातों मैया। और ये कपूर जलाया जा रहा है, हुमाज जलाया जा रहा है यहाँ पे ताकि गंगा जी का पूजा किया जा सके। यहाँ पे सूप है, इसमें चावल रखा हुआ है और इसी चावल से फिर खरना का प्रसाद बनाया जाएगा। उसके नीचे आप गेहूँ देख सकते हैं और इस साइड में भी गेहूँ है। तो ये सारा कुछ पूजा करने के बाद जो छठ व्रती हैं वो घर लौटेंगे, कल से फिर खरना का प्रसाद बनाया जाएगा।
अभी आप लोग गेहूँ धो के इसको घर ले जाएंगे यहाँ से गंगा जल से, और फिर उसके बाद इसी से प्रसाद बनेगा ना। हालत कुछ ऐसी है कि देखो कहाँ तक पानी है, मतलब कमर के ऊपर पानी जा चुका है। क्या है कि अंदर में शॉट लेने के लिए हम लोग गए थे, तो अंदर में कहीं कहीं पे एकदम डीप है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कम है नजर। तो ये वाला जो एक्साइटमेंट होता है, उत्साह जो होता है, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में हम लोग शादी वर्चुअल पर यूपी के हैं। अच्छा, इलाहाबाद से हैं, यूपी से। और ये हमारी देवरानी लखनऊ की है, ये एमपी में। अच्छा, तो देखिए ऐसा है ना कि बिहार में चाहे यूपी में या फिर वेस्ट बंगाल या आसाम में, छठ एक बहुत ही होली फेस्टिवल है। तो कैसा लगता, पहले तो ये बताइए कि यूपी से जब बिहार आई थी आप शादी करके, तो कुछ लगता था, लेकिन जब मेरे शादी के बाद ये छठ पूजा पहली बार हुआ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा, जैसे लग रहा था एक शादी का, जैसे तैयारी नहीं करते हैं उस टाइप से इसका तैयारी। एक दिन का नहीं है ना, तीन चार दिन चलता रहता है, मतलब एक शादी ही समझ लो। फेस्टिवल है, इसमें लोग अच्छा एंजॉय करते हैं, फैमिली को अच्छा भी लगता है। इसमें कद्दू और ये आज के दिन खाना भी बनता है, बहुत अच्छे से लोग खाता है, एंजॉय करता है। आज के दिन परिवार इंतजार करता है एक होने का। हाँ, साल भर का मतलब पूरा इंतजार अब खत्म होता है, पूरी फैमिली एकजुट होकर एंजॉय करती है। जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि छठ एक ऐसा पर्व है जो रिश्तों को जोड़ता है, तो बिल्कुल ही दीदी वैसा ही बोल रही है कि परिवार में एकजुट होने का मौका मिलता है। किड्स क्या सोचते हैं बच्चे? मेरे लिए तो बस यही है कि कॉलेज हो, कुछ भी हो, पढ़ाई, अगर छठ पूजा है तो कॉलेज भी जाए बाहर में, हमें तो बस छुट्टी में घर आना है। और अभी बताओ। मेरे लिए तो मेरा फेवरेट है मेरा छठ पूजा। छठ पूजा आपका फेवरेट है? फेवरेट है छठ पूजा। तो ये है भाई, छठ पूजा सबका ही फेवरेट होता है। तो नाइस टू टॉक विद यू गाइस, थैंक यू। तो कहाँ से हो? हम लोग तो यही पटना से ही है। पटना से ही है। हाँ। छठ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो ये स्माइल जो है ना, एक्चुअल में क्या है कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो रिश्तों को जोड़ता है, लोगों को करीब लाता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही। यस यस। हाँ, चाहे मैं कितना भी दूर हूँ, होम कॉलिंग तो मुझे घर आना है। हाँ, बिल्कुल। ये वाला जो होता है ना एक्साइटमेंट, बहुत ही अच्छा लगता है। मैम ही बस के बहंगी लचकत जाए। तो धनतेरस हो या फिर दिवाली के जस्ट बाद से ही फिजाओं में छठ के गीत गूंजने शुरू हो जाते हैं, और ये तब तक चलते जब तक पारण नहीं हो जाता है। गुजरात समय, गुजरात में। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो जो होता है ना, मैं बाहर रहता हूँ लेकिन छठ में मुझे घर जाना है। मैं कलकत्ता में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप कलकत्ता में जॉब करते हैं? मतलब बेसिकली पटना के ही है, बट रहते सब कोई बाहर ही है। तो अभी छठ में घर आना कैसा? हाँ, बहुत। हम लोग साल भर का इंतजार रहता है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से? हाँ जी। मतलब आप बेसिकली चंडीगढ़ से या फिर बिहार से? मैं पटना, मेरा होम टाउन पटना ही है, पर मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। अच्छा, तो छठ के बारे में कुछ बताइए जरा। छठ मतलब एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि जिसके एक्साइटमेंट ना बहुत पहले से ही होती है कि जाना है और फैमिली के साथ रहना है, छठ पूजा एंजॉय करना है, सुबह का अर्घ, शाम का अर्घ, फिर उसके बाद नहाना है, सारा कुछ चलता रहता है। पूरे मरीन ड्राइव पे इस बार बहुत खतरनाक वाला छठ होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले जो ये वाटर लेवल है ये यहाँ तक था, ऊपर तक पूरा, लेकिन अभी क्या है ना कि वाटर लेवल डाउन हो गया है और लोग घाट पर आ रहे हैं, घाट पर आके छठ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे इंतजाम है। वॉश टावर आप देख सकते हैं, जगह जगह पे वॉश टावर लगाए गए हैं, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो, हम तो यही मना रहे हैं कोई घटना ना हो, लेकिन अगर होती है तो ऊपर से निगरानी रखी जा सके। चेंजिंग रूम्स हैं यहाँ पर, ताकि जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पर आके कपड़े बदल सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो चलिए फिर, हम लोग यही दिखाने के लिए आज पहुँचे हुए थे। आपका भाई साहब मिला नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।